तो गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो एंड आज इस वीडियो में हम लोग एक कार्डिस्टी क्लोजर मूव सीखने वाला है तो ये बेसिकली कोई सिंगल फ्लोरिश नहीं है इस फ्लोरिश को आप किसी भी फ्लोरिश के साथ ऐड कर सकते हो लाइक कोई भी पैकेट कट हो गया उसके साथ जो है इसको एज अ क्लोजर के तरफ यूज कर सकते हो ये देखने में कुछ इस तरीके का लगता है तो मैं एक रेवोल्यूशन टू करता हूँ फिर आप कुछ स्विंग कट करते हो और फिर एंड में जो ये ट्वेल्व वाला मूव करके आप जो डेक को क्लोज करते हो एंड लेट से अगर मैं इसको स्क्वीज कट के साथ जो कंबाइन करूंगा तो मैं कुछ इस तरीके से अभी स्क्वीज करूंगा एंड स्क्वीज करने के बाद जो है ये रेवल्यूशन टू फिर स्विंग कट और फिर ये जो टूअल है इसको करके मैं क्लोज कर दिया तो इसी तरीके से आप ये जो क्लोजर है इसको आप किसी भी फ्लोरिश के साथ यूज कर सकते हो कोई भी कार्ड जो कार्ड स्ट्रीच शफल है उसके साथ आप यूज कर सकते हो एंड इसका मैं आपको दो वेरिएशन सिखाऊंगा पहला हो गया जिसमें आप स्विंग कट करते हो और दूसरा वाला हो गया जिसमें आप स्विवल कट करते हो ठीक है तो दोनों वेरिएशन काफी अमेजिंग है तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट एन टू दीडियो ओके okay, तब इस फ्लोरिश को करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जब जी ग्रिप में आना है तो जी ग्रिप देखने में कुछ इस तरीके का लगता है ये एकदम काफी बिगिनर लेवल का ग्रिप है अगर आप कार्ड स्ट्री वगैरह करते हो तो ऑफकोर्स आपको आता होगा फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ यहाँ पे जो थम है और ये तीन फिंगर है पिंकी मेरा वैसे पीछे रहता है और यहाँ पे दोनों फिंगर है मिडल और रिंग फिंगर और यहाँ पे इंडेक्स फिंगर है मैं कुछ इस तरीके से ऐसे ऊपर की तरफ करके ग्रिप किया हुआ वो कार्ड को एंड फिर आप क्या करोगे आपका जो थम है वो यहाँ से हाफ से थोड़ा ज्यादा पैकेट ब्रेक करेगा और यहाँ पे जो है यहाँ पे एक चीज आपको नोटिस करना है कि मैं जो यहाँ पे मिडिल फिंगर से ब्रेक कर रहा हूँ जो टॉप का पैकेट है और मेरा इंडेक्स फिंगर जो है वो अभी खाली है क्योंकि इसी इंडेक्स फिंगर की मदद से जो है हम लोग स्विंग कट या स्वेवल कट जो भी वेरिएशन आप करोगे वो आप करने वाले हो तो मिडिल फिंगर से आपको जो ऊपर का पैकेट ब्रेक करना है और यहाँ पे बीच का जो पैकेट है इसको हम लोग अभी रेवोल्यूशन टू कट करेंगे आई I मीन mean जो रेवोल्यूशन टू का ऐसे ट्वेल्व वाला होता है जो ऐसे स्पिन होता है वो करेंगे तो बाय द वे अगर आपको रेवोल्यूशन टू कट पूरा डिटेल में सीखना है उसके ऊपर ऑलरेडी चैनल पर वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वो देखने में कुछ इस तरीके का लगता है तो आप जो अगर इसको डिटेल में सीखना चाहते हो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा एंड इसमें जो हम लोग काइंड ऑफ उसका वो जो स्पिन है उसी का यूज़ करेंगे तो आप ऐसे जी ग्रिप में हो एंड जी ग्रिप में आने के बाद आप क्या करना है आपको ये वाला जो पैकेट है इसको ऐसे पाम पे रख देना है ठीक है इसको ऐसे ड्रॉप कर देना है एंड फिर उसके बाद आप क्या करोगे मेरा जो रिंग फिंगर है वो यहाँ पे ऐसे बेंड हुआ हुआ है एंड मेरा जो मिडल फिंगर है वो यहाँ पे इस वाले कॉर्नर पे एंड मैं क्या करूंगा अभी मैं को जिस तरीके से ये जो पैकेट है बीच का पैकेट उसको मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के मदद से ऐसे क्लिप कर दूंगा एंड क्लिप करने के बाद आप क्या करना है आपको कुछ इस तरीके से और आप चाहो तो आप थम का हेल्प भी ले सकते हो आपको इस तरीके से थम के थम से जो आगे की तरफ पुश करोगे और इस पैकेट को आप ऐसे रोटेट करके ऐसे फेस अप कर दोगे एंड फेस अप करने के बाद आपको क्या करना है आपका ये वाला जो थम है जो लेफ्ट हैंड का थम है वो कुछ इस तरीके से इस पैकेट को पिंच कर लेगा थम से और मेरा जो यहाँ पे पीछे मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर है उससे और फिर उसको ऐसे रोटेट करके इसके ऊपर स्क्वायर अप कर देगा ठीक है तो वन मोर टाइम आप ऐसे जी ग्रिप में हो ये वाला जो पैकेट है नीचे का पैकेट उसको मैं ड्रॉप करता हूँ मेरा रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर बीच वाला पैकेट को क्लिप करेगा थम यहाँ पे जाएगा एंड इस वाले थम से आप चाहो तो हेल्प ले सकते हो ऐसे पुश करने में एंड फिर कोई इस तरीके से आप पुश करोगे थम यहाँ पे रिलीज कर दिया एंड जब ये पैकेट फेस डाउन हो जाएगा तब थम जो है क्लिप कर लेगा इस पैकेट को ये वाला लेफ्ट हैंड का थम और यहाँ पे पीछे मेरा मिडिल फिंगर है एंड फिर इस तरीके से क्लिप करने के बाद आप क्या आप क्या करोगे अपना रिंग फिंगर को भी पे अटैच कर सकते हो और फिर उसके बाद उसके मदद से जो है, कुछ इस तरीके से इस पैकेट को आपको फ्लिप करना है और स्क्वायर अप करना है तो जब आप इसको फास्ट करोगे ये देखने में कुछ इस तरीके का लगेगा एंड फिर ये करने के बाद आप क्या करोगे जो स्विंग कट वाला वर्जन है उसमें आप अपने इंडेक्स फिंगर के मदद से वन से लेके टू तक ठीक है वन या टू आप स्विंग कट करोगे एंड मेक श्योर करना कि जो एंड वाला पैकेट बचे वो थोड़ा छोटा हो ज्यादा बड़ा पैकेट ना हो ताकि आप आसानी से ये वाला ट्वल जो है वो कर सको ओके okay? तो वन मोर टाइम अब जी ग्रिप में होने रेवल्यूशन टू किया एंड करने के बाद आप दो बार स्विंग कट करना वन टू एंड ये करने के बाद आप क्या करोगे आप इस हैंड में चारियर कट करोगे कुछ इस तरीके से एट द सेम टाइम अभी ये जो टेल है वो मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पे जो एंड में अराउंड सिक्स टू सेवन कार्ड्स बचें या फाइव टू सिक्स कार्ड्स आप क्या करोगे आपका ग्रिप मैं आपको बता देता हूँ पहले तो यहाँ से मैंने रेवोल्यूशन टू किया फिर स्विंग कट किया एंड आप कुछ इस तरीके से इस ग्रिप में हो तो आप क्या करोगे आपका जो इंडेक्स फिंगर है और जो पिंकी है वो कुछ इस तरीके से ये जो पैकेट है इसको होल्ड कर लेगा ताकि आप जो अपना मिडिल फिंगर है उसको इस कॉर्नर पे लेके आ सको एंड आपका जो थम है वो जाएगा इस कॉर्नर पे एंड उसके बाद आपको ये जो पिंकी फिंगर और रिंग फिंगर इसको रिलीज कर देना है और आपको जिस तरीके से इस ग्रिप में आ जाओगे एंड इसके बाद एट द सेम टाइम इस हैंड में जो आपको चार लेयर कट करना है अगेन ये भी एक बेसिक कट है तो आप इस हैंड में जो चार लेयर कट करोगे और ये वाला हैंड क्या करेगा इस पैकेट के साथ आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो कुछ इस तरीके से इस वाले एरिया पे जा पुश करेगा कार्ड को और कुछ इस तरीके से इसको रोटेट करेगा ओके okay? तो वन मोर टाइम अपने रेवोल्यूशन 2 किया कट किया फिर यहाँ पे इंडेक्स फिंगर और पिंकी फिंगर को जिस तरीके से होल्ड करेगा मैं जो अपना मिडिल फिंगर को रिलीज करके यहाँ पे कॉर्नर पे रखूंगा थम को यहाँ पे एंड फिर मैं सारे फिंगर छोड़ दूंगा एक्सेप्ट मिडिल एंड थम और फिर इंडेक्स फिंगर को जिस तरीके से इसको पुश करके फ्लिप करेगा एंड फिर एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे चारियर कट कर रहा हूँ एंड इसके बाद आप क्या करना है ये काफ़ी फास्ट करोगे आप कि आपको जो मिडिल फिंगर को लेट गो कर देना अब उसको छोड़ दोगे और आपका इंडेक्स फिंगर ऊपर की तरफ प्रेशर देगा तो ये काफी स्लो करना काफी मुश्किल है बट मैं फिर भी आपको दिखाता हूँ तो आपने ऐसे किया एंड फिर आपने मिडिल फिंगर को छोड़ दिया एंड बेसिकली क्या होगा कि आपका जो इंडेक्स फिंगर और थंब है वो को जिस तरीके से इसको क्लिप कर लेगा पैकेट को एंड फिर उसको आप ऐसे फ्लिप करके यहाँ पे बीच में रख दोगे चार्जर कट को क्लोज कर दोगे तो वन मोर टाइम आपने ये किया एंड किया, आपका जो मिडिल फिंगर है वो छोड़ देगा एंड इंडेक्स फिंगर के ऊपर अभी पूरा पैकेट है एंड फिर आप जो धीरे से इंडेक्स फिंगर को लिफ्ट करोगे और आपका जो थंब और इंडेक्स फिंगर है वो उस पैकेट को ऐसे क्लिप कर लेगा एंड फिर आप इसको ऐसे रोटेट करके इसके ऊपर रख दोगे और कट को कट को जो है क्लोज कर दोगे ठीक है अभी हम लोग बात करते हैं जो स्विवल कट वाला वर्जन है उसके बारे में तो वो एकदम सेम है बस आपको जो स्विंग कट ना करके आपको स्विवल कट करना है तो आप सेम करो एंड यहाँ पे स्विंग कट ना करके आप क्या करोगे ब्रेक करके एक स्विवल कट कर देना एंड फिर जो बाकी वो टूवल वगैरह सेम ही रहेगा एंड आप चाहो तो दोनों को कंबाइन भी कर सकते हो मैं वो दिखाता हूँ कैसे तो आप कुछ इस तरीके से रेवोल्यूशन टू करना फिर आप एक स्विंग कट कर सकते हो फिर आप एक स्विवल कट कर सकते हो एंड फिर जो है कुछ इस तरीके से टूअल करके इसको एंड कर सकते हो तो यही है पूरा फ्लोरिश इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है एंड जैसे कि मैंने कहा इसको आप कोई भी फ्लोरिश के साथ ऐड कर सकते हो एज अ क्लोजर के तरह आप जो इसको यूज कर सकते हो मैं जैसे स्क्वीज के साथ करता हूं तो मैं कुछ इस तरीके से स्क्वीज परफॉर्म करता हूँ एंड फिर उसके बाद जो मैं इस तरीके से जी ग्रिप में आ जाता हूँ एंड मैं सेम रेवोल्यूशन टू करके ये जो स्विंग कट करके ये वाला टूअल करके जो मैं क्लोज कर देता हूँ तो अगेन यही है पूरा फ्लोरिश एंड अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो मैं ऐसी uh, कार्ड हिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस फिर कार्ड मैजिक ट्यूटोरियल्स एक्सेट्रा मैं अपलोड करता हूँ तो आप चैनल को चेकआउट भी करना पुराने वीडियोज़ भी देख लेना काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं कार्ड हिस्ट्री के ऊपर तो आप काफ़ी नए नए चीज़ें सीख पाओगे एंड जो रेवोलूशन टू कट मैंने दिखाया इस वीडियो में उसका भी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वो भी आप सीख सकते हो वो एक काफ़ी अच्छा वन हैंडेड कट है And that's it. I will meet you in the next video. Till then goodbye and thank you for watching.